हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स शाम के करीब 7 बज रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज आप लोगों के साथ एक स्पेशल डिश शेयर करने वाली हूँ जो इस सीजन में ही बनती है, कभी कभी ही मिलती है हमारे यहाँ और ज़्यादातर नहीं मिलती है, बरसात के मौसम में ही मिलती है। तो वही डिश मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और वो क्या है मैं आप लोगों को बता दूँ, वो जंगली मशरूम है जो हमारे यहाँ भुईपोर भी उसे बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और चलिए आप लोगों को दिखा दूँ भुईपोर किस तरीके से दिखता है। और बहुत से लोग उसे जंगली मशरूम भी बोलते हैं, मशरूम जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो वो मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही मतलब देसी स्टाइल में बनाऊँगी, बहुत मतलब जैसे घर में डेली यूज के लिए सब्जी बनता है वही बनाऊँगी। और बहुत से लोग तो दिखावा करके सब्जी बनाते हैं लेकिन मैं दिखावा करके नहीं बनाती हूँ, जो मुझे पसंद आता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों से यही कहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किचन में और बनाते हैं भुईपोर की सब्जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये V4 है और इसे जंगली मशरूम भी कहते हैं और मशरूम भी कह सकते हैं लेकिन ये हमारे यहाँ इसे V4 ही बोलते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ और आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से ये दिखता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बिल्कुल से जैसे मशरूम, लेकिन मशरूम का टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट अलग होता है। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे, आप चाहे भी जिस शेप में काटना चाहे उस शेप में काट सकते हैं। तो इसे हमने पहले ही धुल के रख लिया है, अब मैं इसे काट लूँगी और काटने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरीके से बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और अगर कोई कमी मेरे वीडियो में रह जाए तो प्लीज़ मुझे बेझिझक बताने की कोशिश करिए, कृपा करिए और अपनी बहन को ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने मशरूम को काट लिया है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए, इसमें डाल दिया है सरसों का तेल और तेल जब हमारे अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम बनाएंगे ग्रेवी बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हमने डाल दिया है जीरा और 2 टमाटर हमने लिया है, 2 प्याज लिया है, कुछ हरी मिर्च लिया है और खड़े मसाले लिए हैं जैसे लौंग काली मिर्च। तो ये देखिए इनका हम बनाएंगे पेस्ट, जो ग्रेवी इसका बनेगा बहुत ही लाजवाब इस तरीके से बनता है। तो देखिए प्याज हमने डाल दिया है और ये देखिए ये खड़े मसाले हैं और लहसुन की कुछ कलियां भी हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसे ठंडा करने के बाद ही इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। प्याज लहसुन हरी मिर्च और खड़े मसाले हम डाल करके थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा ही भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर जब तब हम इसे निकालेंगे। तो देखिए प्याज और हरी मिर्च को हम फ्राई कर रहे हैं, अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसमें हम थोड़ा सा पहले नमक डाल देंगे ताकि टमाटर प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हम ये लाल मिर्च डाल रहे हैं, ये कलर वाला लाल मिर्च है और इसे डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे बस 1-2 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ हम प्याज टमाटर मिर्च और लहसुन ये सब निकाल लेंगे और इनका हम बनाएंगे पेस्ट जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब। और इसी कढ़ाई में हम
जंगली मशरूम को फ्राई कर लेंगे V4 को। तो देखिए इसमें हमने डाल दिया है तेल, तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें डाल देंगे V4 और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। देखिए फ्रेंड्स हमारा मशरूम फ्राई हो चुका है, जंगली मशरूम। तो इसी कढ़ाई में अब हम छौंक लगाएंगे। तो देखिए कढ़ाई हमने फिर से रख दिया है गैस पर और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल थोड़े देर हम गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे एक चम्मच हम जीरा। जीरा को हम थोड़े से चटकने देंगे, प्याज नहीं डाल रहे हैं क्योंकि प्याज का हम ग्रेवी बनाए हुए हैं। चाहे तो आप प्याज डाल सकते हैं लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए जीरा हमारी चटक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का जो पेस्ट बनाए थे, टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्च ये सब का जो पेस्ट है हम इसमें डाल देंगे। फिर उसी जार में हम थोड़ा सा पानी ले करके और मसाला धुल करके इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। फिर इसको हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, बस हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हम 2 चम्मच डाल रहे हैं और कलर वाला लाल मिर्च पाउडर। और अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2-3 मिनट हम पकाएंगे ढक करके। ढक करके पकाने से इसका स्वाद जो है बाहर नहीं निकलता है और अच्छे से भुना भी जाता है। तो देखिए मैं 2-3 मिनट बाद इसे फिर से चेक कर रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो चुका है मसाला। अब मैं इसमें मशरूम डाल दूँगी, फिर मशरूम को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से पानी ऐड करो जितना आपको ग्रेवी चाहिए। वैसे तो इस सब्ज़ी में ज़्यादा ग्रेवी वाला सब्ज़ी नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी क्योंकि हमें चावल से भी खाना है। आप चाहे तो पूरी पराठा या रोटी किसी भी के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो देखिए हमने इसे ढक दिया है, अब 2-3 मिनट बाद मैं इसे फिर से चेक कर रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से पक चुकी है, ये बिल्कुल से रेडी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक सब्जी का कुछ इस तरीके से दिखी और खाने में आप लोगों को मैं बता दूँ बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये देखिए मैं इसे फिर से चला करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार हमारे कहने से और आप सबको बहुत पसंद आएगी ये सब्जी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।